जनपद संबल के गुण फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के पलथा गांव में एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। मामला योगी राज में दबंग की दबंगई से जुड़ा है। विदा राम नाम के एक आरोपी दबंग ने एक 9 साल की मासूम बच्ची के सीने में आरोपी ने अपनी लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से बारूद उतार दिया और मासूम को लहूलुहान कर दिया। घायल हालात में मासूम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और आरोपी दबंग को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से लाइसेंसी बंदूक को कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। वहीं घायल बच्ची का उपचार जारी है। ये कल शाम को 3 बजे के आसपास सूचना मिली पुलिस को कि एक कामिनी है, उसको एक एक विद्याराम है, विद्याराम मौर्य है, जो गोली मार दिया। सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंच गई, बच्ची को हॉस्पिटल एडमिट कराई, फिर विद्याराम की खोज शुरू की। विद्याराम मैं अपने लाइसेंसी बंदूक जिससे उसने उस बच्ची पर फायर किया था, मैं लाइसेंसी बंदूक सहित और कांटे सहित वो गिरफ्तार हो गया। क्या मोटिव था गोली मारने का? गोली मारने के मोटिव की भी जानकारी की जा रही है। क्या बरामद हुआ? उसके पास से एक लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई है, एक खोखा कारतूस जिससे उसने बच्ची को फायर किया था, और 2 और कारतूस मिले हैं खाली, जो भरे हुए कारतूस थे। कौन सी धारा में? धारा 307 में इस पर जो संगत धारा बनी है हमला किया था, 307 में जेल भेजा जा रहा है और उसके शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जा रही है। बच्ची कहाँ है? बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्ची ठीक है, डॉक्टर साहब से बात हो गई है, मुरादाबाद में एडमिट है, बच्ची ठीक है, रेफर कर दिया। हाँ सर, बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 10 साल है।